क्रांतिकारियों की धरती मेरठ रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के करीब 3 लाख स्वयंसेवकों के आने से केसरिया रंग में रंग गई। आरएसएस के कार्यक्रम राष्ट्रोदय में हिस्सा लेने के लिए सुबह से ही स्वयंसेवकों का सैलाब मेरठ में उमड़ पड़ा। पूरे आयोजन के दौरान वीआईपी का कोई शोर नहीं था। यहां आने वाले मंत्री एमपी एमएलए भी साधारण स्वयंसेवक के रूप में समागम में शिरकत करने पहुंचे। जिले में समागम की तरफ जाने वाले 8 प्रमुख मार्गों पर प्रवेश के दौरान ही उनको खाने का वितरण किया गया। कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था को संभालने के लिए एडीजी आईजी एसएसपी सुबह से ही मौजूद रहे। स्वयंसेवकों के कारण मेरठ पूरी तरह भगवा रंग में रंग गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा स्वयंसेवक समागम रविवार सुबह से मेरठ में शुरू हुआ। समागम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सृष्टि के रंग अलग अलग हैं, लेकिन रूप एक ही है। उन्होंने कहा कि हम वसुदेव कुटुम्बकम का मंत्र लेकर चलने वाले लोग हैं। समाज के उत्थान के लिए और उसके विकास के लिए हर समुदाय के लोगों को स्वयंसेवक बनने की जरूरत है। इस मौके पर विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह, विधायक पंकज सिंह और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री चेतन चौहान भी आरएसएस समागम में पहुंचे। इस समागम का मकसद 2019 के आम चुनावों के लिए जनता की नब्ज टटोलना है। बीजेपी को 2014 में सर्वाधिक 73 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से ही मिली थी। इसमें भी पश्चिम उत्तर प्रदेश से बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें हाथ लगी थी। आरएसएस और बीजेपी का मकसद आगामी चुनावों में युवा मतदाताओं को लुभाना है। राष्ट्रोदय का मंच 182 फीट चौड़ा और 35 फीट ऊंचा बनाया गया। इस मंच का बैकड्रॉप 92 फीट ऊंचा था। मंच पर जाने के लिए लिफ्ट और सीढ़ियां बनाई गईं। 35 फीट ऊंचे मंच से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने स्वयं सेवकों को संबोधित किया। वहीं दूसरी तरफ मंच के आगे की तरफ 35 फीट ऊंचा और 125 फीट लंबा 4 घोड़ों की आकृति वाला रथ भी लगाया गया। मंच के पीछे 92 फीट का बैकड्रॉप सूर्योदय की आकृति का है। इस विशाल आयोजन में अब तक 3,13,393 लोगों ने पंजीकरण कराया। सुरक्षा के लिहाज से भारी मात्रा में फोर्स लगाई गई, जिसमें जिले के साथ साथ जोन स्तर और पुलिस मुख्यालय फोर्स भी रही। एसपी के साथ डिप्टी एसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एलआईयू, ट्रैफिक, एटीएस के कमांडो भी तैनात थे। 15 कंपनी पीएसी, 3 कंपनी आरएएफ को तैनात किया गया। जिले में भारी वाहनों का प्रवेश भी बंद कर दिया गया। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए और जांच के लिए ड्रोन कैमरों की मदद ली गई। मेरठ के जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने कहा कि पुलिस के साथ साथ प्रशासनिक अमला भी इस आयोजन में लगा हुआ है।